रोज पहली नजर हर खबर। बरेली के फरीदपुर क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। यहां पर लाइसेंसी हथियारों का जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। वीडियो को देखकर पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने लाइसेंसी हथियारों द्वारा फायरिंग करने वाले दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये भूमाफिया गंगा किनारे पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। ये पूरा मामला बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के सिपहिया गाँव का है। एसएसपी का कहना है कि दोनों पक्षों के असलों के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। थाना फरीदपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जो नदी किनारे है। वहां पर दो पक्षों में जमीन की कब्जेदारी को लेकर मारपीट हुई है, उसमें हवाई फायरिंग भी हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा ये पता चला कि मौके पर दोनों ही पक्षों के द्वारा इसमें गोली चलाई गई है, जिसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें दोनों ही पक्षों के खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों ही पक्षों के जो 6 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उनके जो लाइसेंसी हथियार हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है और इसमें और आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजाद नेशन न्यूज़, पहली नजर हर खबर।